बाय, जाइए जाइए। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन अब्बास हैदर और ये हैं इज्जत फातिमा। यस प्लीज खवातीनो हजरात, आज का मुद्दा ये है कि हम सिर्फ जल्दी करते हुए नजर आते हैं ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ने में। हमें जितनी जल्दी होती है मुआशरती और मुआशी तौर पे हम उतने ही रुके हुए दिखाई देते हैं। मुनीर नियाजी साहब ने कहा था इस मुल्क पे आसेब का साया है कि क्या है कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। तो गोया मुनीर नियाजी साहब ने काम नहीं कहा, डायरेक्ट मुल्क ही कह दिया, सीधा लगे ठेका। भाई इम्तिहान हो, शादी हो, दावत हो, हर जगह ताखीर से पहुंचते। कुछ लोग तो इतने बुरे होते हैं इस मामले में कि अपनी शादी पे भी देर से पहुंचते हैं। क्यों खंडुइया, अबे इतना छोटा ठेका, ये 2 महीने का होके मर गया था क्या ये बात। और शादी के फंक्शन पे हम उस वक्त पहुंचते हैं जब हमें यकीन होता है कि अब रोटी घुल चुकी होगी, है ना। और हमारे लोगों की कैलकुलेशन कभी कभी इतनी गलत हो जाती है कि जब वो पहुंचते हैं तो हॉल की बत्तियां बंद हो रही होती हैं, लगे ठेका इस बात पे। और अलमिया तो ये है कि कुछ लोग इस आदत को बुरा समझते ही नहीं है, उनको लगता है कि ये अदा है, हम देर से पहुंचेंगे तो हमारी अहमियत थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। और ये हमारी फ्रेटर्निटी में वैसे ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत से एक्टर्स को ये गुमान है कि वो लेट पहुंचेंगे तो उनको स्टार समझा जाएगा। और कुछ लोग ये समझते हैं वो साठे बगैर फंक्शन शुरू ही नहीं होना, लगे ठेका यार। हमें अब लगता है कि हर काम में ताखीर करने से ही काम बनेगा, दाखला फीस हो, यूटिलिटी बिल्स हो, हम हमेशा बैंकों की कतारों में आखिरी डेट पे नजर आते हैं क्योंकि हम ओरिजिनल डेट पे बिल जमा करवाने को हद तक इज्जत समझते हैं, लगे ठेका। हर काम में लेट होना इतनी बुरी बात है कि अंग्रेज मरहूम को लेट कहते हैं। तो होता रहेगा सबका कॉमेडी निर्माण, ओनली ऑन एवरीबॉडी साइड विद मी पब्लिक। तो आज पब्लिक डिमांड में तशरीफ ला रही हैं बिलों और महंगाई की सताई हुई आवाम की खुरदरी जिंदगी को रेशम का एहसास दिलाने के लिए हमारा प्राइड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल कर चुकी है द वन एंड ओनली रेशम जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदाब और तस्लीमात के बाद अर्ज किया है रेशम देख ले मिट गई दूरियां, मैं यहां हूं यहां हूं यहां हूं यहां। वेलकम टू पब्लिक डिमांड, कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक, आप गाते बहुत अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके शो में आके। आप एक जापान की इकोनॉमी की तरह हैं, यानी कि बिल्कुल ही सस्टेन है हमेशा। कैसे? हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि खैर बांटूं, और खैर ही बांटने की कोशिश करती हूँ, एक तकदो में लगी रहती हूँ कि कुछ दुखी इंसानी की इंसानियत की खिदमत करूँ। तो ग्लैमर के साथ साथ मुझे होता है कि मैं जो अपना जो लंगर करती हूँ वो जब तक मेरी जिंदगी है वो करती रहूँ, लोगों तक खैर पहुँचती रहे, लोगों की दुआएं जो है वो समेटती रहूँ। अच्छा, आप लोग ऐसे ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने अमेरिका की इकोनॉमी से, मैंने चाइना की इकोनॉमी से क्यों नहीं इनको, वो भी सस्टेनेबल हैं, लेकिन चूंकि जो हमारी जापान की इकोनॉमी ना वो कुछ ज्यादा ही सस्टेनेबिलिटी का शिकार है। सो मेरा ये मानना है कि आपको देखकर मुझे एहसास होता है आपने किसी बड़ी महबूब अदालत से ये स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, कि ऐसा ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा मैं बताती हूँ, हुआ ये था कोविड में ना, मैं बड़ी खौफजदा सी रहती थी कि मेरे किसी दोस्त को कोविड ना हो जाए। मैं उससे बचने के लिए मैं किचन में जाती रही, मैं घर के खाने भी बनाती रही। ओके। मैंने देखा कि मेरी ये जॉ लाइन प्रोमिनेंट हो रही है स्वेटिंग से। ओके। मैं जो हूँ जरा ट्रिम हो रही हूँ, तो मैंने इंजॉय करना शुरू किया, साथ में मैंने ट्रेडमिल शुरू की, स्वेटिंग टू मच की, उसके बाद साथ मैंने की इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब आप चूंकि आ गई हैं पब्लिक डिमांड में, यहां पर आपका होगा कॉमेडी रिमांड, तो ये केस आप खुद लड़ेंगी या ये सुपारी आप बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब को या लतीफ खोसा साहब को देंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना केस जो है खुद लड़ूंगी। ओके, तो आप तैयार हैं लड़ने के लिए? बिल्कुल। हैव अ सीट प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, मैम रेशम। ओके, सो सवालात का सिलसिला ऑफिशियली शुरू करते हैं अब हम। किसी भी फिल्म में मरने जीने से ज्यादा जरूरी होता है बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट क्या कहती है। आपको नहीं लगता कि द लेजेंड ऑफ मौला जट में आपको हाफ टाइम पे एलिमिनेट होना चाहिए था? मैं चाहती तो दारू का कैरेक्टर करती। रियली?
तो क्योंकि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में वो आई थिंक मुझे लगता है वो कैपेबिलिटी है. बिलाल अशारी ने उनके प्रोड्यूसर साहिबा ने कहा कि ये किरदार करना है. पहले तो मैं कन्विंस नहीं हुई थी बट उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप इस फिल्म का हिस्सा बने. तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे क्योंकि मैं बहुत मुश्किल खातून नहीं औरत नहीं हूँ तो मैं आसानी से मान जाती हैं तो मुझे उन्होंने जो भी कहा कि बाबर अली आपके साथ है तो मैं इनके अच्छे को स्टार हैं. तो अभी एक फिल्म मौला जट के बाद जो है वो मेरी आ रही है. क्या बात है. वो उसका नाम है गुंजल. ओके यस. बड़ा डिफरेंट सा कैरेक्टर है. एक रियल स्टोरी पे बेस करती है ये कहानी. चल एक बात बताया मुझे जी. फवाद खान साहब जी नेशनल क्रश है हम सबका. आपने उनकी अम्मी बनने का फैसला कर लिया. आप तो एवरग्रीन हैं. कोई अमेरिकी दबाव था क्या था. सुनो तो सही. दसो तो सही. ओ मेरे नाल बच्चा सी 8 साल दा. मेरा केड़ा सीन फवाद खान दे नाल सी. बात है वो बाद में फवाद खान बनता है. हाँ. और अब बताती हूँ जो नेटफ्लिक्स है ना. हाँ जी. उसने हीरो हीरोइन का फॉर्मूला चेंज कर दिया. ठीक है. अगर ऐसी बात होती तो गंगूबाई में जी जी इतनी मतलब यंग लड़की एक कैरेक्टर रोल ना करती. बिल्कुल. अच्छा मजेदार बात बताऊं. आप अगर मेरा संजा देखें सीरियल मैंने सेम कैरेक्टर किया है. मैं 80% गंगूबाई कर चुकी हूँ. Really? हाँ जी. ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों. ठीक है. उसमें फाहद मुस्वा भी थे. अल्लाह जी तुम्हें घर करे. नायला जाफरी थी. मेरा उसमें कैरेक्टर रोल था. वाओ. और वही कैरेक्टर आलिया भट्ट जी ने किया. आप कह रही है कि गंगूबाई में वो पूरा सीन छापा गया है. हाँ जी ऐसा ही है. बिल्कुल ठीक कह रही है रेशम जी. आप जो किरदार आपने अमर बेल में किया था वही सेम करेक्टर श्रीदेवी जी ने लम्हे फिल्म में किया था. श्रीदेवी जी इस दुनिया में नहीं. मैंने उनके डांस बचपन में उनके गानों पे डांस कर करके मेरे अंदर इतनी वो होती थी ना. मैं उनके गानों पे डांस करती थी. तो यकीन करें उन्होंने भी खूब निभाया. और अमर बेल एक वाहिद प्ले है जिसके डायलॉग्स कुछ मेरे अभी तक मेरी वो मतलब रूह के साथ जुड़े हुए. मेरा बाप जो वाली साहब का किरदार महमूद असलम साहब ने कहा वो ये बच्ची इनसे लव हो जाती है बाप के दोस्त से. तो बाप को पता नहीं. तो वो कहता है कि तुम्हारी बात सुनती है तो तुम जाके इसको समझाओ. तो वो जब मुझे समझाते हैं ना कहते हैं तुम समझती क्यों नहीं इस बात को. वो कहती है कि आप क्यों नहीं समझते इस बात को. कहते मैं तुम्हारे बाप का ये दोस्त हूँ ये. वो कहती है कि मोहब्बत कोई सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें एज लिमिट होती है. वाह. मगर आपको तो शायद पता ही नहीं है कि मोहब्बत क्या है. आ गई. आ गई तू. वाह. उन्होंने तो तारीफ की भी नहीं. ये क्या कमजोर माफिया भाई. ये खंडू के साथ मिलके उनके गाने पे हजारा दारी जगा दी आपने. अच्छा अच्छा अच्छी लग रही है. साड़ी पहनी हुई है. प्यारी लग रही है. आज आपने ऐनक कहाँ छोड़ दी अपनी. गाड़ी में. अच्छा क्या लाई आप खाने के लिए. मेरे ये तो सिर्फ ट्रॉली है रेशम जी. मैंने आपके लिए मटन कढ़ाई भी ऑर्डर कर दी है. देसी चूचे भी पक रहे ने. लंगर का भी कहता है. इतना सारा खाएगा कौन. तुसी आपको मेरी फिजिक से लगता है कि मैं इतना खा लूंगी. आपको हम आपकी फास्टिंग से पहले पहले सब खिला देंगे. लेकिन ऑर्डर आपने कुछ ज्यादा करते. चलिए थोड़ा थोड़ा सारा चख लेंगे. ठीक है ना. चुनगा है लहंगा मेरा जाली की चुनरिया. चुन 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 चुन्ना. चुन 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 चुन्ना. चुनगा है लहंगा मेरा जाली की चुनरिया. चुन 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 चुन्ना. चुन 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 चुन्ना. जब मैं नाचू चम चम बाजे पाँव में जंजरिया. वाह. देख ली परफॉर्मेंस. पहली बारी वेख रहे हो मुंह औरत दा ते तड़ मज दा. टेड वेखो जेड़ा कदी भी नहीं रजदा. औरत च रिच दा अक्स वेखो. पैंती मन दी वैड़ दा रक्स वेखो. राइटर कमर साहब जी कैसे मिजाज हैं. ये कोई नई डिस्कवरी है आपकी. ये डिस्कवरी नहीं पूरा डिस्कवरी चैनल है. शाम 7:30 तो बाद एदे च मैनू मारवी सरमद नजर आने लग पैंदी. दुआ कर अज तेरा शो चल जाए. क्यों. क्योंकि दुश्मन आमने सामने कर लेने तू. वो बाजी. हेलो मैडम मोहतरमा. ये अपना तारुफ करवाएंगे. आप कौन है. आप अपने तारुफ हवा बहार की. मैं हूँ रेशम. Made in Russia. ए शुक्र करो रशिया दी चाइना दी हुंदी ते किते ना किते लाइट भी लगी होनी. ये
अरे खबरदार मैनू औरत ना समझी मैं पुट्ठी लत भी मार देनी कमजोर होस्ट जी कैसे सुनते मैं मेड इन रशिया हूँ मुझ पर इक्तिसादी पाबंदियां बल्कि मैं जदों दा इहदे नाल फिर रहा वहां अमरीका दे मैनू भी फोन आ रहे ने वुमेन राइट्स दी आर्मी तंजीमा तो फोन आ रहे होने ने यही के ड्रामे च अपनी औरत दा एहतसाल ना करो एहतसाल नहीं इस्तेहसाल जो मर्जी रशियन तो हां पंजाबी मुश्किल लांदी है अच्छा हैगी रशिया तो है ते कहंदी मैं आज तक रशियन सैलड नहीं खादी बेटे सलाद खादी ना खादी हो तुम्हें कुछ चांडे खा ले अमीर से बात करो ऐसी कहानी लिखूंगा कि तुम्हें दो टके की कर दूंगा दो टके की कर देगा तेरी दो टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाएगी सर मैं थोड़ा मैं तुहानू एक टके दा कर दिया मैं भी गल नू एग्जैजरेट ही कीता इंजी दी शायद दो टके दी हो सकदी नहीं नहीं ये तो फटे तो टंगी होवे थले लिखिया होंदा बगैर हड्डी तो 900 रुपए किलो सर एक चीज का ख्याल रखना मेरे ना आड़ा ना लाना मैं तो आड़े ना आड़ा क्यों लाना तुसी तो पहले ही मेरे स्क्रिप्ट खटे करते सर अच्छा बाजी ये आपका ये नाम किसने रखा रेशम रेशम हाँ ये मेरा पैदाइशी नाम है पैदाइशी नाम तो यदा पटसन सी शेट अप रेशम असल में मैंने नाम अपना जीवा फिल्म देखने के बाद रखा रियली तो आपने जीवा फिल्म कहाँ देखी वो लाहौर में देखी उन दिनों मेरा डॉक्टर लाल के यहाँ आना जाना रहता था अच्छा आय हाय 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 उन दिनों डॉक्टर लाल की सेहत अच्छी थी हाँ। क्योंकि जवाद अहमद हले उन्हें नहीं सी मिलिया अच्छा। जवाद अहमद नहीं सी मिलिया काजी सईद ते मिल गया सी ना वो मिलते रहते ने काजी साहब की वजह तो कई दिन सेहतां जा पई अच्छा अच्छा रेशम जी मैं जानता हूँ आप मेरे बारे में क्या राय रखती हैं लेकिन आज सारे इख्तलाफात भुला के नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह एक हो जाते देखिए सर उनके तो दिन जो है आजकल बिछड़ने क्या है नून लीग और पीपल्स पार्टी के ओए 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 इस बीबी दा इलेक्शन हाल भी पूरा ध्यान होगा जी जी बड़ी मेरा हर शय वाल ध्यान है लेकिन आपका एहतराम आपकी इज्जत मैं हमेशा करती रहूंगी सर क्या बात है क्या बात मैं भी आपका लंगर खाने किसी दिन घर पे आऊंगा प्लीज जरूर इतनी वीडियोस आपकी वायरल होती हैं इंटरनेट पे लंगर बना रही एक बंदा इन्हें घर आया अच्छा जी दरवाजा नॉक किया मैडम कहते मेरा फैन है कहना नहीं बाजी दो देगा पकवानी बाजी एक मिनट रशियन रेशम साहिबा जी देखे एक अच्छी एक्ट्रेस होने के लिए डांसिंग स्किल्स आनी चाहिए आपकी वजाकता देख के लगता नहीं आपको डांस आता होगा यहाँ आप कर सकती होंगी आपकी सोच हो सकती है मेरे गुरु ने मुझे हर डांस फॉर्मेट सिखाया हुआ अच्छा है। अपने गुरु को जरा सच्चा साबित करके दिखाए ना पहले कंफर्म कर दो तुम्हारा तो सेट काफी मजबूत है ना जी मैं चाहता तो प्राणी निकले ध्यान करना है तो लुक निकल आएगी तो फिर मोहसिन जल्दी से लगवाओ ना रशियन OST बजाओ लौंडो मैं आऊं नाचने को कर दे सच्ची अख मीटा ते होन के ही पैर कभी अख मीटा ते मारा सारा के कलाशनकोव आपकी आंखें दाम नहीं ला पा रही होगी इसलिए अभी जाइए एक छोटे से वक्फे पर लौट कर आइए पब्लिक डिमांड में कीप वॉचिंग पब्लिक वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड रेशम जी का कॉमेडी रिमांड जारी है एक बात बताइए रेशम जी बॉलीवुड में आपके ताल्लुकात उस वक्त थे जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बड़ा बेहतरीन था आपने वहां पे काम क्यों नहीं किया जबकि आपकी जो बाकी साथी अदाकाराएं थी वो मसरूफ थी वहां पर काम करने में ऐसा नहीं कि मुझे ऑफर नहीं हुई थी मुझे काम की ऑफर हुई थी एक फोटो सेशन भी करा के भेजा था और वो पास भी हो गया था तो बात ये थी कि उनकी डिमांड आपको पता है कि हम एक लिमिट तक कुछ भी करें पाकिस्तान में तो वो कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में किया ना इस लड़की ने जो कुछ भी किया स्लीवलेस पहना है बैकलेस पहना है वो मेरा मुल्क है जब आप किसी और मुल्क में अपने मुल्क की जाके नुमाइंदगी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे कैरेक्टर थोड़ा बोल्ड था जिसकी वजह से मैंने नहीं किया मैं बिल्कुल ताइद करता हूं रेशम जी की बात की मुझे भी इंडिया से ऑफर हुई थी अच्छा मैंने कहा एयरपोर्ट से मुझे वेलकम करें 40-50 ढोला ले 150 खुसरा के नाच रहे
ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਾ। ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸਰੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਤੁਮਕੋ ਤਕੱਲਮ ਕੋ ਵੀ ਇਖਲਾਸ ਸਮਝ ਲੈਤੀ ਹੋ ਰੇਸ਼ਮ, ਖੁਸਰਾ ਹੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਠੁਮਕਾ ਲਗਾਨੇ ਵਾਲਾ। ਸਹੀ ਕਹਾ ਆਪਨੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ, उर्मिला मातुंदकर के साथ आपकी बहुत दोस्ती रही है, तो क्या अभी भी राबता होता है? नहीं, मेरा उनसे कोई राबता नहीं है। वो राबता एक कुछ दिन थे, हमने साथ गुजारे थे। पाकिस्तान और इंडिया की जो एक सॉन्ग हमने किया था, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। रेशम जी ने और उर्मिला ने वीडियो में जिस शेर के साथ छेड़छाड़ की थी ना, बाद में मैं भी उसके पास गई थी, तब तक वो नाअहल हो चुका। ऐ मैं झूठ ना बोल, तेरे मिलन तो बाद वो नाअहल होया सी। लोकां ने उन्हें मेहने मारने शुरू करते सी, जात दा शेर ते हाथनी नाल पंगे। रेशम जी, आप पे पिक्चराइज होने वाला पहला गाना कौन सा था? प्यार मेरा फेवरेट गाना है ये। जगह आहा धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आगे न मिल के पढ़ो। ऐसा माहौल बन गया। मैं चलो। अच्छा, ये गाना जब पिक्चराइज हुआ, जीवा बाद में मुझे इस गाने की ही बदौलत मिली। अरे वाह। जब ये गाना प्रोड्यूसर ने स्क्रीन पर देखा तो कहा कि स्क्रीन ने कबूल कर लिया रेशम को, तो फिर उन्होंने मेरा कार्ड में नाम दिया प्रिंट होने के लिए। तब तक वो मेरा नाम नहीं दे रहे थे कि जब तक उन्होंने कहा हम ये गाना नहीं देख लेते। अच्छा। तो ये 3 दिन में पिक्चराइज हुआ। और मैं ऑडियंस को भी बताता चलूं कि रुखसाना नूर साहिबा ने ये गीत लिखा और अमजद बॉबी साहब की म्यूजिक डायरेक्शन थी इसमें, और वारिस बेग साहब की जिंदगी के बेहतरीन गानों में से ये भी एक बढ़िया सा गीत। चले, एक बड़ा अछूता सवाल है कि उमराव जान, अनारकली, गंगूबाई, पारो, चंद्रमुखी, इनमें से ऐसा कौन सा रोल है जो आपको लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया करते हैं? आई थिंक उमराव जान अदा। क्या बात है, गुड चॉइस। वो मेरे दिल के कैरेक्टर बड़ा करीब है, लेकिन रेखा जी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, लाजवाब, कि बस वो सोच तो सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं करने की, लेकिन उन जैसा कोई भी नहीं कर सकता। क्या बात। रेशम, हाँ, वो तो संजय लीला बंसाली डंडी मार गया, वरना गंगूबाई का कैरेक्टर मैंने करना था। वैसे अच्छा ही होया कि वो डंडी मार गया, नहीं तो जे तू रोल कर लेनी तो कई गंगू बाइया ने रोल जाना। अच्छा, वैसे आरफ वाली साइड से जेडी मज ज्यादा दुध दवे ना, उन्होंने इंज सजाया होंगे। मर जाओ। हम क्या यहाँ बधाइयां मांगने आए हैं? ऐसी पिस्तौल है कि गोली मार के मुंह कहना पड़ता है, मर जाओ। पिस्तौल ऐसी है जो गोलियां नहीं गई। नहीं, हम पानी भरवाना भूल गए इसमें। हमने कहा था ना रेशम, ट्रस्ट मी आई विल बी बैक। लो भाई, तुम्हारे शो में नरमी टेटर आ गया है। नरमी टेटर। अच्छा, बाकी बातें होती रहेंगी, पहले पिछला गटर कटना पाजी। ये आदमी अपना काम नहीं भूलता। टर्मिनेटर के डायरेक्टरों ने हमारे साथ बहुत मजाक किया है। टर्मिनेटर के किसी पार्ट में हम हीरो होते थे, किसी में विलन। ये ऐसा तो पाकिस्तान की सियासत में होता है सिर्फ। एक सेकंड, मैंने टर्मिनेटर को देखा है, वो मिस्टर वर्ल्ड रहे हैं, मिस्टर ओलंपिया रहे हैं, कई कई बार रहे हैं, कोई जिम ऐसा नहीं है उनकी तस्वीर नहीं लगी हुई। आपको देखे तो ऐसे नहीं, सिंगल पस नहीं है आप यार। असल में हमें शुगर हो गई है। अच्छा, ओ शुगर, समझते हो शुगर मेरे मन को किया तूने, क्या इशारा। मोहसिन मियां, शुगर के साथ साथ कई बीमारियों ने पीडीएम की तरह हम पर अटैक किया, हमारी सेहत बर्बाद हो गई और इकोनॉमी की भी। वाह वाह वाह, आप टर्मिनेटर हैं, राजकुमार हैं, कौन हैं आप? ये राजकुमार टर्मिनेटर में जाने लगा है। ये असल इन्हें दा नाम है टर्मिनेटर कुमार। शट अप। मेरे ते पानी पाया, मैं तेरी लत बढ़ देंगा। आपकी और पाकिस्तान की स्टोरी बड़ी मिलती जुलती है जवाना। ए बगैर गर्दन की औरत, बल्कि इस बकरीद पे बच जाने वाली बैल। मैंने भी यही बकवास की थी, उस वक्त तुम कोमा में थी। रेशम जी, आप तो जानती हैं अंग्रेजी फिल्मों में हीरोइन नहीं होती है। हाँ। एक हीरो होता है, एक लड़की होती है। हमारी रूह कब से तड़प रही है रोमांटिक फिल्म करने के लिए, क्या आप हमारे साथ
फिल्म करेंगी, यकीन जानिए आप फिल्म करें, मैं आपके घर का काम भी करूंगा। जी भाई जान, मैं आप जैसा कहेंगे खत्म करो, दबाओ खत्म करो बस, अब इसकी डोली उठाओ। नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, भाई जान ने कह दिया। नहीं नहीं, वो मेरा भाई कलाश्निकोव उठा लो, ये उठा। नहीं 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 सॉरी, माफी माफी माफी, तुसी है चुको। हम चाहते हैं बर्फानी पहाड़ों पे हमारा गाना पिक्चराइज हो, सर्द हवाएं चल रही हों, हम आपकी कान में आकर कहें, छू ले अगर तुझको हवा तो पी लेना गर्मा गर्म कवा। कवा मेरे गाने का बेड़ा गर कर दिया। कहवा किस मुंह से पियोगे टर्मी, शर्म तुमको मगर नहीं आती। वाह वाह क्या बात, झूठ बोले कहवा काटे। ओसे रेशम, बाबर ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक ही किया, ओके किया। तो मैंने कुछ नहीं अच्छा काम किया। नहीं आपने तो किया ही है, उसकी भी तारीफ करनी है ना। लेकिन अगर वो गाना जो है ना जानू सुन जरा, अगर हम पे पिक्चराइज होता ना, यकीन जानिए आपको ऑस्कर अवार्ड मिलना ही था और मुझे चलता हुआ। लेकिन बाबर अली ने बड़ा अच्छा गाना पिक्चराइज करा, इज अ ग्रेट एक्टर। आपने हमारा कभी देखा नहीं गाना पिक्चराइज कराते हुए। अच्छा कराए, आए जरा दिखाएं तो अपनी मुजाहरा, दिखाएं जरा इसका। आ जाए मैदान में, आइए आइए आइए। रेशम जी जरा जहमत होगी आपको, देख रहे मुझे जरा थोड़ा ऊंची सुना यार, मुझे बचपन से ना खिड़की बनाने का बहुत शौक है, बनाऊं। अच्छा ऐसा कभी हुआ नहीं मोहसिन के कोई चीज जब नहीं पसंद आती थी या कोई डायलॉग या कोई एक्शन, तो वो हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डायरेक्टर की इजाजत से क्रियोग्राफर के साथ, तो वो हम मैनेज कर लेते थे, चेंज कर लेते थे, चेंज कर लेते थे। हाँ वो ऐसा नहीं है कि वो सुनते नहीं थे, जितने भी डायरेक्टर्स थे वो सारे बहुत, क्योंकि कुछ राइटर्स हैं आजकल के दौर में जो कहते हैं मेरा लिखा पत्थर पे लकीर है, ऐसा ही है। इशारा कर दो मेरी तरफ, मैं नैरो पार बैठा हूं। वो डरते हैं भाई कि बस अगर डायलॉग इधर उधर हो गया तो दोबारा काम नहीं मिलेगा। ऐसा ही है, मेरा स्टाइल अपना है। हाँ जी तुम्हारा बिल्कुल स्टाइल अपना, सिगरेट साड़ लो इन पियो। हाय 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 क्या लाइन याद आ गई, सिगरेट की तरह जलता ही रहूंगा मैं। और टीवी से मारेंगे ये। नहीं लेकिन देखे ना कमाल का लिखा वो गीत, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। वाह वाह, जरूरी था कि हम दोनों दोनों तवाफे आरजू करते, मगर फिर आरजुओं का बिखरना भी जरूरी था। ये थोड़ा राहत भाई ने भी बेहतर किया, मैं तवाफे आरजू लेकर बैठा था। अच्छा रेशम जी, कुछ पाकिस्तानियों को मियां साहब की आमद से ज्यादा आपकी शादी का इंतजार है, तो कब खिला रही हैं हमें लड्डू? जब मेरी शादी होगी तो तानू लड्डू भी खवाएंगे। जो कोई खाए तो भी पछताए, जो ना खाए ना खाए वो भी पछताए। जो इर्द गिर्द मैं देख रही हूँ ना, जिनकी शादियां मेरे सामने हुई थी पिछले से पिछले साल और पिछले साल, उनकी अब तक तलाकें भी हो चुकी हैं। अगर शादी का मूड बने तो बताइएगा, हम यही मौजूद हैं, हल्का सा एक मिस कॉल मार दीजिएगा बस। जी मेरा वीर जी भाई, जी भैया हमारे मुंह पे क्या भाजन लिखा मैं सबसे नहीं, तो आपने डोली को कांधा नहीं देना, इधर तो आनी डोली को कांधा देना है, उधर उन्होंने जनाजे नु मैंने पता क्या, मैंने बैकग्राउंड में गाना लगा होगा, ये डोली को कांधा देंगे आप, डोली नु दे जाई वीर वे, अके हमें मतला फरमाइएगा, आप टर्मिनेटर हो या कैटरिंग का काम करते हो? आई हैव वन वर्ड, शट अप। रेशम आज इस प्लेटफॉर्म से मैं ऐलान करता हूँ कि आपकी शादी पे सेहरा मैं अपने हाथों से लिखूंगा। नहीं सर ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेहरा जो लिखेंगे ना वो तो मेरे उस्ताद अय्यूब खावर साहब लिखेंगे, तो मैं ऐसा हो सकता है कि आप जो मुझे इस्लामिया पढ़ेंगी ना वो लिख लीजिए। बस मोहसिन जितनी मेरी इंसल्ट तुम करवा सकते थे तुमने करवा दिया। आपके शो में रुकना नहीं चाहता, ये मेरी इंसल्ट, मैं इस्लामिया लिखने वाला बस। ओके चल जा, मैं तू कैंडी के बैठो, दफा कर छोड़ दे, नहीं ये बंदा नहीं, मैं बैठ बैठे। अच्छा बैठे ना प्लीज, जा रहे बैठे, आप जाएं सर, आप मेहमान है हमारे।
डटी। अच्छा ओके आप वहां पे ब्रेक ले रहे हैं, हम इस मसले को सॉर्ट आउट करते हैं। एक छोटे बकरे का लौट कर आते हैं पब्लिक विमान में। क्या है जी तो खवातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। तो आज के हमारे सुपर डुपर गेस्ट हैं रेशम जी। इधर मुंह करी जरा। मोहसिन अब्बास नु पूंड कदों लड़ गए? अबे उठना, मैंने नहीं जाना। जल्दी कर जल्दी। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। आप देख रहे हैं और हमारे साथ है इस वक्त रेशम जी मौजूद, कॉमेडी डिमांड का जारी। एक बात बताइए जी के एक एक्टर जो होता है या आर्टिस्ट होता है उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी होती है, बहुत बढ़िया होती है। तो मुझे ये बताइए कि एक बेवफा मर्द की क्या खूबियां होती है, कौन सी तीन खूबियां बताइए। जब वो करना चाहता है तो वो किसी माकूल बहाने की आड़ में निकल जाता है, बहाना बना के। वो कॉल नहीं अटेंड करेगा, आपको इग्नोर करेगा, आप पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देगा, बिल्कुल चपेड़ खाने वाली हरकतें करेगा। सबसे ज्यादा बुरी आदत बेवफा मर्द की ये होती है कि वो अपने फोन को 6-6 लॉक ला के रखता है। बात यह कि बेवफाई जो है ये बड़ी आम हो गई। लेकिन जरूरत है मेरा खावंद मेरे नाल बेवफाई कर जावे। जदों करदा बेवफाई मैं मर्चा कुटण वाला कोठना काट लई। तुम्हारा शौहर तो तुम्हें खुला छोड़ देता होगा, शाम को घास वास खा के आ जाएगा। अच्छा एडी खतरनाक औरत है, इन्हें निच मार के अपने खावंद का मेजा पाड़ता। रेशम जी वो कौन सा हीरो है जिसको आपका क्रश होने का एजाज हासिल है? क्रश तो ऐसे नहीं था, शर्त थी कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर शान के साथ काम मिलेगा तो आऊंगी फिल्म इंडस्ट्री में। वो मेरे फेवरेट रहे हैं शुरू से। शोबिज में आने से पहले मैं क्रश क्रूश के चक्करों में कभी पड़ी नहीं। और रीजन ये है कि जहन जो था वो काम की तरफ था, जिम्मेदारी फोकस, जो वो जिम्मेदारी काम मेहनत वो सारी जिंदगी अभी तक काम कर रहे हैं, तो कोई मिला होता तो शादी ना कर लेती। ओके सो अब पब्लिक डिमांड में वक्त हुआ चाहता है कुछ तीखे कुछ खट्टे मीठे सवाल आज का, तो उसके लिए तैयारी पकड़ ले जरा आप। खलीलुर रहमान कमर साहब या फसी बारी साहब? फसी बारी खान। बिलाल लाशारी या शोएब मंसूर? बिलाल लाशारी। ओके फवाद खान या बहाज अली? आजकल मुझे जो रोमांस जो सही अभी स्क्रीन पे नजर आया ना एक नए हीरो की शक्ल में, वो बहाज अली। ओके ओके हुमायूं सईद या शान? बोथ। ये है ही नहीं, सहूलत ही नहीं आपको मैसर। ये आए हुमायूं मुझे बड़ा पसंद है ना, ना करे मेरी लड़ाई। उन्हें तुसी किया कि तनु शान भी बड़ा पसंद है, तो आपने दोनों के इकट्ठे नाम ले लिए। एग्जैक्ट इसीलिए ये जान गई कि ततूनी फुफो नाम है मेरा छोटा। क्या नाम? फुफो नाम है मेरा, मैं के निकनेम मेरा। चलिए मैं हमेशा शान का नाम लेती हूँ, लेकिन आज हुमायूं का ले लेती हूँ। हुमायूं के लेना बता, हुमायूं वाहिद आर्टिस्ट जो किसी की बुराई नहीं करता। आपके ख्याल में शान करते हैं बुराई? वैसे मैं और शान बैठ के चुगली शुगलियां कर लेते। अच्छा जी ओके चले ये भी पता लगा आज हमें। एमी छोटी मोटी सी। उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब या फिर शफकत अमानत अली खान साहब? शफकत मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, राहत जी के साथ मेरे घरेलू ताल्लुकात। जी 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 तो शफकत अमानत अली। आपकी जो को एक्टर्स हैं उनमें से किसी एक का नाम लीजिए, रीमा जी या मीरा जी? मीरा। रीमा जी नहीं, कभी भी नहीं, वो मुनाफिक नहीं। चलो ये तो पता लगा ना, मुनाफका नु डॉक्टर अच्छे लगते हैं। सबा कमर या फिर आयजा खान? आयजा इज अ लवली गर्ल, शी इज सो वेरी ग्राउंडेड, वेरी डाउन टू अर्थ। अगर एज एन आर्टिस्ट देखा जाए तो सबा कमर के क्रेडिट पे ज्यादा काम है। बिल्कुल ठीक है, तो सबा कमर। ओके हमजा अली अब्बासी या गौहर रशीद? ऑफ कोर्स हमजा अली अब्बासी। ओके वासे चौधरी या अहमद अली भट्ट? Of course, Ahmed Ali Bhatt. Okay, okay. Bhatt. आप जरा कस के भाई कह दे उनको। Ahmed Ali Bhatt भाई होंगे आपके। मेरे वो दोस्त हैं। Okay, okay. क्या मतलब है आपका? अच्छा, मैं अब तक समझ रहा था यकतरफा है। चलें, ताबिश हाशमी या मोहसिन अब्बास हैदर? मोहसिन अब्बास हैदर। एकदम हुए हुए। वैसे डॉन 3 में आपको ले लेना चाहिए। कासिम के अबू या मरियम के पापा? मरियम के पापा। इस एक जवाब में काफी सारे राज मुजमर हैं दोस्तों। मैंने तो इतनी गालियां खाई हैं पीटीआई के सपोर्टर से, क्योंकि मैंने नारा लगाया था नून लीग का। अब तो रेशम जी ने भी कह दिया है मियां तू अब तो आ जा, झोला सा मन बहके आके बुझा जा, मन की ज्वाला ठंडी हो
जा बैठा ओ मियां साहब ओ माय डार्लिंग शुक्र है हमने अपनी जिंदगी में रीच का डांस देख लिया अंजुमन जी या साइमा जी अंजुमन जी ओके उनके क्रेडिट पे ज्यादा काम ओके एसएचवाई या बीजी मैंने क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा काम किया तो ऑफ कोर्स बीजी क्या बात है लेकिन एचएसवाई मेरा बेस्ट फ्रेंड है अच्छा खेली आप बहुत बढ़िया अच्छा खेली बहुत इटालियन छोटा बच्चा ओके आगे बढ़ेंगे और अब हम अपने इख्तितामी मराहल में दाखिल हो रहे हैं सो अब मैं आपको कुछ गानों के बोल सुनाऊंगा वो होंगे अंतरे और आपको उनकी स्थितियां बतानी होंगी ठीक है ऐसा काटे कि दांत का निशान छोड़ दे ये कटाई तो कोई भी किसान छोड़ दे है? ऐसे जालिम का छोड़ दे मकान छोड़ दे तेवर है ये तो गुलजार साहब के लग रहे हैं ये तेवर गुलजार साहब का आप पहुंचेंगे ऑलमोस्ट देयर बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया हां मेरा माइक मुझे माइक में ए बीड़ी जलाई ले जिगर से ओ इतनी सर्दी है किसी का ले हाफ ले ले अच्छा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले अच्छा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले पीड़ी जले ले जिगर से पिया जिगर मां पड़ी वाह 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 अल्लाह झूठ ना बुलाए ते मोहसिन तेरे अंदर भी एक छोटी जी रकासा बैठी हुई है जिदे बारे क्या जंदा रकासा कौआ ओके नेक्स्ट वन इज चली नहीं जांदी चाल नशे वाली अख दी प्यार तेरा दिल विच सांभ सांभ रख दी तू ही मेरा दिलदार आजा कर लिए प्यार वे तेनू अखां विच अखां अज पाई जा अगे गुड्डी वांगू अज मैनू सजना उड़ाई जा ओ मेरी तेरे हाथ डोर तेरा चलना नी जोर अज तुनके ते तुनका लाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा तुम ना गाओ उड़ाई जा तुम्हारा को किसी का बाप भी नहीं उड़ा सकता प्लीज अगर आपको आता है इधर गुड्डी वांगू अज मैनू सजना तू अगे अगे हो गए लत सामने खलो गए लो ते परवाने नु बचाई जा हाय गुड्डी वांगू अज मैनू सजना उड़ाई जा वैसे आपस की गल अगर इंज की गुड्डी हो चांबा एफिल टावर जिड्डा होना चाहिए भाई अभी तक आप 100/100 जा रही हैं इतना बढ़िया खेल रही हैं फौरन से पेशतर जवाब आ रहे हैं भाई नजरां दे फुल ओदी रावा च बिछाए ने नजरां दे फुल ओदी पहले मिसरे पे ही बिछाए ने हां सदरा दे ख्वाब लखा दिल च सजाए ने होइयां ने सावा बेकरार ये बात झांजर दी पाछन का गुड आंसर परफेक्ट नैना चो डुलदा खुमा आ आप बहुत अच्छा खेल रही है लगाए दिल नु इंतजार हाय 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 आवेगा कदो मेरा प्यार एक सेकंड मेरा प्यार कदों आएगा हाय आ जाएगा प्यार दा ते पता नहीं जिन्ने तुहानू गाने याद ने यकीनन लैलपुर म्यूजिक सेंटर सी तुहाडा अरे वाह वाह रेशम जी तालियां क्या बात है बहुत बढ़िया अब जाते जाते प्रोग्राम के इख्तिताम में हम आपको एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं माहियों की शक्ल में तो अगर आपकी इजाजत हो तो पेश किए जाएं आई एम ऑनर्ड अर्ज किया है हो कोई हुक्म दी बेगम वे ओए भाई कोई हुक्म दी बेगम वर्सटाइल एक्टरां चों टॉप उत्ते रेशम है टॉप उत्ते रेशम
होवे है कोई एवर ग्रीन होवे ओ यादगार कम कर दी पावे जेड़ी सबसे अच्छा जो ट्रिब्यूट मुझे मिला है आज वो आपकी शक्ल में मिला है आपने ये जो मेरी तारीफ की है इस काबिल नहीं हूँ लेकिन आई एम स्पीचलेस वी आर सो ऑनर्ड कि आप यहाँ तशरीफ लाई और आपने हमारे शो को इतना निखार दिया एक मुझसे भी रशियन माइया सुन लो बोले बोरे लथ गया जरसी तू वाह वाह हाय क्या बात बोरे लथ गया जरसी तू खबरां विच रहंदी बिना काउंटर वरसी काउंटर वरसी वाह 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 कमाल कर लिया आपने बाजी और लेडीज एंड चेयरमैन आप पब्लिक डिमांड में वक्त हुआ चाहता है हमारे उस अछूते सेगमेंट का जिसका नाम है स्टैंड अप कॉमेडी ओवर टू शकील भाई बहुत ही बदतमीज लोग हैं यार ये क्या हुआ अरे यार अजीब लोग हैं फकीरों से झगड़ा हुआ मेरा आज ओए होए ये ना समझना मैं कुछ छीन के भाग रहा था हुआ ये कि वहाँ खड़ा था मैंने कहा यार एक बात बताओ मैं तुम्हें अगर 5,000 दूं तो क्या करोगे कह रहा खुशी से मर जाऊंगा मैंने कहा जा नहीं देता जिंदा रह एक फकीर आ रहा है कह रहा है ऊपर वाला के नाम पे एक दे ऊपर वाला दो देगा मैंने कहा जहां से दो मिलेगा ना मेरा एक वापस कर देगा यार ये फकीरों की भी यूनियन बन गई है शकील जी हाँ फकीर जो है ना वो ज्यादा कमा रहे हैं हाँ तो चले कल से मांगने मैं कहती हूँ वो ज्यादा अच्छा खाते हैं ज्यादा अच्छा पहनते कार जाके लेकिन सड़क पे वो ऐसा परफॉर्म करते हैं ओह यस हाय भाई जान दूल्हा भाई क्या हुआ मुझे बताए ना अपना तारुफ कराओ डॉक्टर उमर आदिल जुबली हाँ जी ये रात को जूली हो जाता है भैया बताए ना क्या हुआ क्या आपके साथ मेरा झगड़ा हो गया यार साथ मुझे ले जाती मैं उनको मजा चखा देता बॉस इसीलिए तो नहीं ले गया मजा चखाता बदनाम मैं होता हूँ ये बताए मैंने आपको कहाँ कहाँ बदनाम करवाया हर साल बदनाम कराता है मुझे अभी पिछले जमनी इलेक्शन में खड़ा हुआ बैनर पे क्या लिखवाया है क्या ना बिकने वाला ना झुकने वाली खोए वाली मलाई वाली आपकी अपनी कैंडिडेट अब्दुल रजिया नहीं तो आपने मुझे कौन सा इलेक्शन पे खड़ा होने दिया अब तो सीधा खड़ा हो नहीं सकता इलेक्शन में खड़ा होगा पहले भी इलेक्शन ते खलोता सी मोटा इंतखाबी निशाने नु मिलया मूली कुछ लोग स्टैंप लांदे ले एक दो लून ला के निकल गए दूल्हा भाई प्लीज 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 शादी करवा देना मुझे प्लीज का है या पलीत का है प्लीज शादी करवा दे हाँ ठीक है मैंने लड़का देखा है सरिया के कारखाने में काम करता है वो क्या लड़के से शादी करोगे चलेगा क्या नहीं चलेगा मैं लड़की से शादी करूंगा अबे तू अनडिसाइडेड प्रोग्राम है यकीन जानो जब ये पैदा हुआ है ना इसके घर वालों ने लड्डू भी बांटा जलेबी भी बांटी है जी मोती चूर भी और जलेबी भी जलेबी भाई जलेबी भाई जलेबी भाई हाय हाय जलेबी भाई अभी देखा ऐसा नहीं लग रहा था कोई भैंस कुप्पी पी के पागल हो गई है स्टूपिड पिट पिट ले मैं आपको दूल्हा भाई बता दूं जब मेरी शादी होगी ना मैं अपनी दुल्हन से रोमांटिक डायलॉग्स में बात करूंगा कैसे कैसे ऐ मेरी दुल्हन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो हमारी शादी हो गई है हमारे बच्चे होंगे ना तुम्हें अम्मी कहेंगे और मुझे खाला कहेंगे दूल्हा भाई ऐसे तो मत करे प्लीज बताओ बताओ मेरी जिस बातों को जरा भाई उभरने दे अच्छा बोलो मैं और जब मेरी वाइफ शादी हो जाएगी ना हम पार्क में जाएंगे और वहाँ बैठ के मर्दों की बुराइयां करेंगे डेढ़ पाव इमली लेके चटखारे लेके खाएंगे क्या कर रही हैं आते जाते लोगों को तरसी हुई नजरों से देखेंगे मैं आपको बता दूं जब मेरी शादी होगी ना मैंने आते ही अपनी वाइफ को कह देना है ऐ मेरी जिंदगी
जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, हर मोहल्ले का लड़का मेरी इज्जत कर रहा है। नहीं ये बताएं, काम कर दूं या काम दिखा दूं? मेरा मतलब कि मुझे लेडीज पुलिस में भर्ती करवाएं। क्या क्या? नहीं नहीं, लेडीज पुलिस, मुझे मर्दाना पुलिस में भर्ती करवाएं ना। अच्छा। हाँ, मैं उधर ना मुजरमों को लुटा लुटा कर मार मार कर मजा चखा दूं। ये पुलिस में गया ना, और जिस थाने में इसकी ड्यूटी होगी सबसे पहला छापा वहीं पड़ेगा। और ये मुजरिमों को कैसा पकड़ेगा? कैसे? हमसाब जानी है तो मेरा भाई है यार, मैं तू समझ, मैं तुझसे नफरत करता हूँ? नफरत करती हूँ मुझसे? नहीं नहीं, देखो नफरत हमारा काम नफरत नहीं है, बल्कि मैं तो लोगों से भी कहूंगा, क्या अगर नफरत करना इतना ही जरूरी है तो आओ आज से अहद करें कि नफरत से नफरत शुरू कर देते हैं। वाह क्या शकील भाई, कमाल करते हो। क्या कहेंगी इस अजीम इंसान के बारे में? इनके लिए तो जितना भी कहा जाए उतना ही कम है, और इनके लिए हमेशा दिल से दुआएं निकलती हैं। अरे क्या बात, क्या बात है शकील। कलियां खिला देती है चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, गानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा अब जाते जाते हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है हैप्पी रोस्टिंग। उसमें आपको मौका दिया जाएगा हम सबको रोस्ट करने का। सबसे पहले लेजेंडरी शकील भाई। शकील भाई एक बहुत ही प्यारे इंसान है, इंज लगता है कि जा चीजें में फकी बेचड़ा लगा। ये है फैसलाबाद। आइए आइए तशीन। फैसलाबाद बोला, फैसलाबाद। ओके, सेकंड वन इज वालिद खान। आइए लें जी, ये है बिस्ती पॉइंट। ਤਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਵਾਜੇ ਸਭ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਾਕਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ। ਸ਼ੈਰੀ ਨੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੈਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾ ਆ ਜੋ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਫਲਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਫਲਕ ਜੀ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੈਸੀ ਲੜਕੀ ਕੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸਮੇ ਸੇ ਉਤਾਰ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਜੀ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਇਸ ਵਕਤ। ਇਸਲਈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਪਕੜਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਭੀ ਸਾਲ ਮੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਾਈਕ ਫੜਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪੈ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਹੁਤ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਕੇ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਚੜਗਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਸਤੀ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਰਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਬਿਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਯੈਸ ਸਰ, ਯੈਸ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਮੋਹਸਿਨ, ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਪੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਨੋਟੋ ਵਾਲੇ ਪਹਿਨਾਤੇ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਤਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਤੋੜੇ ਤੇ ਲਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਕਲੀ ਹੋ।